उधर ही जाना है हमें। देखो भैया कितना एक्साइटेड है। और भाई तुम्हारे देखो इसमें सिर्फ चिप्स के पैकेट भाई, तो सभी तैयार हो व्यू देखने के लिए। अगर इस जगह पे आ रहे हो तो अगर आपको सर्वाइवल थिंग्स का पता नहीं है कि कैसे कैसे जिंदा रहना है, तो गाइस अभी निकल चुके हैं अपने ट्रैक पे। और इधर देखो इतने सारे बंदे जा रहे हैं भाई, चलो इतने बंदे ना। तो गाइस वो जो तुम्हें पहाड़ की चोटी दिख रही है ना, बस उधर ही जाना है हमने। देखो भैया कितना एक्साइटेड है। नाम सुन के क्या बोला तूने? और ये भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ये पहले से ये वाला बहुत ज्यादा ये समझ रहे हो आप। तो गाइस अभी ये जो पेंट है ना, इससे चलना बहुत मुश्किल है, तो अभी हम ट्रस डालते हैं और हम इस इतनी प्यारी जगह पे आए। आहा, तो ये है सेकंड ब्लॉग, मतलब कि जो फर्स्ट पार्ट आया ना उसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें से आपको ट्रैकिंग देखने को मिलेगी मेरी और भैया की। हाँ रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चढ़दा जा टकियां ओ मड़िया। तो भाई वो रहे हमारे साथ ही, ऊपर चल रहे हैं, अब प्यारा प्यारा गाना लगाते हैं, चलते हैं। और भाई तुम्हारे देखो इसमें सिर्फ चिप्स के पैकेट भरे हैं, मैं सिर्फ चिप्स के पैकेट, फुल मजे लेंगे। और आज रात को हम वहीं पे रुकने वाले हैं, तो रात को क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता, तो मतलब ट्राई करेंगे हम लेने की अच्छे अच्छे व्यू लेने की। क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या आज मिस हुई है? ਬਿੰਦ ਬੜੇ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਝੂੜੀਆਂ ਪਤਾ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ ਚਲੋ ਬਣਾਓ ਬੇਟੀ ਝੂੜੀਆਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਝੂੜੀਆਂ ਦਾ ਚੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗਾਇਜ਼, ਹਮ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹਮਨੇ, ਔਰ ਅਬ ਰਸਤਾ ਢੂੰਢਣੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਸਤਾ। भाई कुछ पता नहीं चल रहा है कौन सा रास्ता है, बस सिर्फ चले जा रहे हैं। रास्ता भटकने के बाद मेरे दोस्त ऐसे चलते, देखो तो यहाँ पर रास्ता है, यही वाला रास्ता। गाइस नज़ारे देखो भाई क्या मस्त जगह है। और अभी हमें पता कहाँ जाना है, वो जो पहाड़ दिख रहा है ऊपर उसके टॉप पे जाना है, काफी दूर है। वाटने सी मिसाल उबड़ जाओ। 2000 years later। तो गाइस भाई तुम्हारा आ चुका है जन्नत में, और अभी आपको दिखाऊंगा कि कितनी प्यारी जगह पे हूँ मैं अभी, ठीक है। और मेरे साथ भैया बैठे हैं, तो सभी तैयार हो व्यू देखने के लिए, तो एक बार ये चेक करो भाई। भाई देख रहे हो कितनी प्यारी जगह है भाई, इसको बोलते हैं जन्नत, ठीक है। वो पहले क्या सीन हुआ था मैं तुम्हें थोड़ा पहले का बता देता हूँ। नीचे से आ रहे थे, हमारा जो मेमोरी कार्ड फुल हो चुका था, दैट्स वाई मैं थोड़ा नीचे शूट नहीं कर पाया, मतलब सेम ही थे पहाड़ थोड़े थोड़े, बट यहाँ पे आके मैंने सोचा कि यार आपको ये चीज़ नहीं दिखाई ना तो मेरा यहाँ ना भी यार। फिर मैंने कुछ पहले का व्लॉग था एक, मैंने उसको फुल डिलीट किया ताकि मैं आपको ना ये जगह दिखा सकूँ। इधर देखो सभी बोलते हैं श्रीनगर जाओ, उधर जाओ, ये जाओ, भाई हमारे पंचायरी में आओ, ठीक है, आपको ये देखने को मिलेगा। देखो इधर देखो भाई, इधर देखो तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं, पहुंचने वाले हैं, मतलब हमें लगभग अभी एक घंटे के आसपास लग जाएगा, बट जो व्यू है ना ये देखो तुम एक बार, ये देखो बस। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो वो बिल्कुल मेरी उंगली सामने मंदिर है, उधर हमें पहाड़ पे जाना है। जो हमारे साथ हमारे जो साथी आए थे वो थोड़ा आगे निकल गए, क्योंकि यार वही ना मैंने आपको बताया कि मेरी स्टोरी फुल हो गई थी,
तो उसको मैंने एडजस्ट करने के लिए ना पहले एक व्लॉग डिलीट किया है, पर उसका मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मोटो व्लॉग मैं कभी बना सकता हूँ, पर ये वाली जगह ना ये कभी शूट नहीं हो सकती। तो ये देखो तुम, अब मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ। ओ शिट यार, बादल आ गए, एक मिनट रुको। बिल्कुल मेरी उंगली से यहाँ पे बादल है ना, तो यहाँ पे है नत्था टॉप और इसके उस साइड है सनासा, समझ रहे हो? तो ये सारा एरिया ना इधर ही पड़ता है और हमारे यहाँ से बिल्कुल पास से पड़ता है नत्था टॉप। अगर हम पैदल जाएंगे तब भी पहुँच जाएंगे। और बिल्कुल उधर धुंध के पीछे मंदिर है, वहाँ पे हमें जाना है, मतलब जहाँ पे जात्रा वगैरह है कल। मतलब हम एक दिन पहले आ चुके हैं, जात्रा का तो कल है, बट आज हमने रात को कैंपिंग करनी है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा हमारे साथ। और भी काफ़ी ज़्यादा साथी आए, तो इतना मज़ा आएगा ना आज। मेरे चैनल पर आपने पहली बार ऐसा कुछ देख रहे हो जिसके अंदर मैं सिर्फ ऐसे ही ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसके अंदर कोई मोटो व्लॉग नहीं है। बट ये चीज़ देखो तुम यार, कितना प्यारा है मतलब। और ये बिल्कुल हमारे पंजारी का ना 5-10 किलोमीटर आ गया हो, फिर ऊपर पहाड़ जोड़ोगे तुम तो ये तुम्हें मिल जाएगा। एक व्यू देखो भाई, व्यू देखो। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। भाई अपना रिव्यू बताइए, आपको कैसी लग रही है जगह? इधर कैमरे में, इधर इधर जगह तो ऐसा लग रहा है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया है। लंबे सीरीज से चल रहा है कुछ। तो गाइस, भाई तुम्हें ने थोड़ी अपनी लुक चेंज कर ली है क्योंकि यहाँ पे ठंड वंड थोड़ी स्टार्ट हो गई है, इसलिए भाई तुम्हें ने शर्ट लाए थे अपने लिए वो डाल ली। अभी भाई तुम्हारा बहुत स्मार्ट हो गया है। और जो लोग हमें YouTube वगैरह पे देखते हैं तो प्लीज़ यार इंस्टा पे जाकर फॉलो करो, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से हमारी यो इंस्टाग्राम पे आईडी है Rohit03Vlogs, और साथ में हमारी एक और आईडी है जिसका नाम है Rohit79979। तो जाके फॉलो करो, वहाँ पे आपको पोस्टें दिख जाएंगी और रील्स वगैरह भी दिख जाएंगी, तो जाके फॉलो करो। बाकी हम पहुँचने वाले हैं हमारी मंजिल, वो रही वो देख रहे हो तुम पहाड़, उधर जाना है हमने, वहाँ पे है मंदिर, उधर पहुँचते हैं और वहाँ पे कल जात्रा है, तो कल बहुत मज़ा आने वाला है। भाई ये देख रहे हो तुम कितनी प्यारी जगह है, चारों तरफ पहाड़ भी, पहाड़ ही पहाड़, उधर पेड़, इधर पेड़ और इधर पेड़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी हैवी रिकॉर्डिंग टाइम नहीं है। दोस्तों हम आ चुके हैं इस पर सुनसान जगह, और अगर आपको सही होना जीने का पता ना हो तो आप एक भी दिन जी नहीं सकते। तो गाइस बिल्कुल सही, आप वहाँ पे कुछ लकड़ी वगैरह खाना भी मिल सकता है, कीड़े मकोड़े। तो गाइस बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया, अगर इस जगह पे आ रहे हो तो अगर आपको सर्वाइवल थिंग्स का पता नहीं है कि कैसे कैसे जिंदा रहना है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना, तो आप यहाँ पे एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि पूरी तरह पहाड़ी पहाड़ है और पानी पीने के लिए बिल्कुल पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, जो झाड़ियाँ हैं बस इनको कुछ नहीं, कोई नहीं खा सकता। तो गाइस बस थोड़ा सा दूर आया मंदिर, पहुँचने वाले हम, थोड़ा सा ही बस बचा है। तो फाइनली गाइस ये रही वो प्यारी जगह जहाँ पे हमें आना था, एकदम प्यारा सा मैदान है यहाँ पे, और यहाँ से पूरे के पूरे पहाड़ दिखते हैं। अभी शाम को अच्छा नहीं दिख रहा है, कल सुबह आपको अच्छे से दिखाऊंगा मैं। अभी चलते हैं, कुछ टेंट वेंट लगाना है, उसका कुछ सीन करते हैं। बिंदु भाई कैसा लग रहा है आपको टेंट में बैठ के? गाइस ये देखो हमारा टेंट, और काफ़ी ज़्यादा मतलब और भी टेंट लगे हुए हैं। तो गाइस जस्ट अभी हमने खाना छाना खाया मज़े से, यहाँ पे लंगर वगैरह लगा हुआ था, तो जस्ट अभी हमने खाना ख़त्म किया है, अभी हम अपने टेंट में आ चुके हैं। और भी कुछ मेंबर्स हैं हमारे जो कि बाहर हैं घूम रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा व्यू है जो मैंने आपको पीछे दिखाया, और सुबह का मैं ट्राई करूँगा कि जो सनराइज़ है वो भी आपको दिखाऊँ। और इस वक्त भाई तुम्हारा पता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बाकी ठंड है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ऐसा लग रहा है AC लगाया हुआ है। तो सीधा मिलते हैं आपको सुबह। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, तो स्वागत है, अभी तो सुबह सुबह हो गया, एकदम मौसम चेक करो भाई, और अपना टेंट दिखाते हैं तुम्हें हम अभी। हमारा टेंट कहाँ पे, तो मेरी शक्ल क्या है, जस्ट अभी उठे हम, अब मैं टेंट दिखाता हूँ अपना हमने कहाँ पे लगाया था रात को। ये देखो ये रहा हमारा प्यारा सा टेंट, यहाँ पे हम रात को रुके थे, और भी काफ़ी सारे टेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, और कहाँ वो रहा नीचे मंदिर चल चल मिल रही। गाइस ये चेक करो भाई कितनी प्यारी है, एकदम टॉप पे आ चुके हम, यहाँ से हर एक
गाइस सनराइज होना स्टार्ट हो गया एकदम प्यारा सा। तो गाइस जस्ट अभी थोड़ी देर हमें पहले दर्शन किए बाबा के, बहुत मजा आ रहा है एकदम। सुबह सुबह का मौसम है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। भाई जी कैसा लग रहा है आपको, कहाँ के? बढ़िया लग रहा है यार। और रात को भाई जितनी बकचोदी हुई है मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। भाई रात को हमने लगाया था टेंट, तो कुछ 2 बजे की बात है और ये पूरे हमारे ऐसे मतलब टेंट के आसपास घूमे और चलिए मजाक गोली पे कौन चढ़ेगा। कोई 1 घंटा बकचोदी चली है हमारी इस टॉपिक पे और पूरे मजे लिए गए हैं रात को और एकदम टॉप पे आ चुके हैं। बिल्कुल प्यारा प्यारा मौसम है और क्या बढ़िया व्यू आ रहा है, नज़ारे नज़ारे जन्नत टाइप है ये। और ये हमारे घर से ना कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब पास में ही है, 2-3 घंटे का रास्ता है पैदल जो कि हमें ट्रैक करना पड़ता है। और मेन बात भाई यहाँ पर नेटवर्क नहीं चलता, इधर डंडा 4G का एक डंडा भी नहीं आता नहीं है यहाँ पे। तो अभी बड़ी मुश्किल से नीचे आता है, जब तब मिलता है कभी कभी, बिल्कुल जो टॉप पे तो नेट मिलता ही नहीं है। सुसु करने आना भाई, सॉरी कट कर दूंगा इसको। हाँ भाई क्या लगा उसी मजा वाला, बहुत मजा आ रहा, ठंड में टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 12-13 इतना दे गए ठंड है। तो गाइस सुबह सुबह की चाय आ गई हमारी, ये देखो, और इधर देखो सभी चाय पी रहे हैं हम। हेलो गाइस आप भी, ये तो आपको पूछते नहीं है। भाई लोग चेक करो कितने ज्यादा लोग आए यहाँ पे। 2000 years later. हम ऊपर से आ रहे थे तो हमें यहाँ पर एक चाचू दिख चुके हैं। चाचू हेलो करो, हेलो 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 हेलो, जोर से बोलो ना हेलो हेलो, क्या हाल है? चंगा जनाब, है चंगा, ठीक ठीक हो? ठीक हो, इतन देगे कि तई पजी गया जी, है किन्या चला जा बहुत ठीक है कहाँ है रे गोड़ हाँ गोड़ ठीक हो नी ये तो फूड ने भी हर किन्या जी गया तो से है कैंट जी ने एक तरह था बस इपर चलो हले राजा कर गुदे लागे चक्कर। तो गाइस अभी हमें इस पहाड़ से होते हुए और वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना वहाँ तक जाना है, फिर वहाँ से नीचे उतरना है, उतरते उतरते नीचे 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 और वो नीचे जो सड़क दिख रही है तुम्हें वहाँ तक जाना है हमने, क्योंकि हमारी सारी बाइकें वहाँ पे लगी हुई हैं। और तुम इधर देखो ये पहाड़ से अगर वो गिर गया ना तो समझ लो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। One hour later. अभी हम पहुंच चुके हैं अपने बिल्कुल मेन रोड पे, लगभग 2-3 घंटे का ट्रैवल है यहाँ से ऊपर, और अभी चलते सीधा घर पे। और आज के व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको नहीं बोला था, तब तो टाटा बाय।